हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी न्यूज़। आज है 23 जून 2020। आज के दिन से एग्ज़ाम रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं उसे हम यहां सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। पहला प्रश्न है, भारत और चीन के मध्य कौन सा समझौता है जिसमें LAC के 2 किलोमीटर तक सेनाएं आपस में गोलीबारी नहीं करेंगी। इसमें ऑप्शन ए है 1996 का समझौता, बी 1997 का समझौता, सी 1998 का समझौता, डी 1999 का समझौता। इसमें सही उत्तर है ऑप्शन बी 1997 का समझौता। 1997 के समझौते के अनुसार भारत और चीन के मध्य LAC के 2 किलोमीटर तक सेनाएं आपस में गोलीबारी नहीं करेंगी। LAC का फुल फॉर्म होता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। हाल ही में चाइना और भारत के बीच गलवान घाटी में क्लैशेस हुए थे जिसमें भारत के 20 जवान शहीद हुए और लगभग 40 चाइनीज सोल्जर मारे गए थे। आप जानते होंगे कि इस झड़प में एक भी गोली नहीं चली थी। ये पूरा विवाद दारबुक श्योक दौलत बेग ओल्डी रोड के कारण हुआ है। श्योक नदी को खूनी नदी भी कहा जाता है। दूसरा प्रश्न है, किस देश की सरकारी, निजी, आर्थिक, शिक्षा व स्वास्थ्य समेत सभी क्षेत्रों में साइबर अटैक हुआ है। इसके ऑप्शन है ए ऑस्ट्रेलिया, बी ईरान, सी भारत, डी कनाडा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया। अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया की सरकारी, निजी, आर्थिक, शिक्षा व स्वास्थ्य समेत सभी क्षेत्रों में साइबर अटैक हुआ है। इस साइबर अटैक का शक चाइना पर किया जा रहा है। आप जानते ही हैं कि हाल ही में भारत में भी इजराइल कंपनी द्वारा साइबर अटैक किए गए थे। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है और ऑस्ट्रेलिया के इस वक्त प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन हैं। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री द्वारा अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के परियोजनाओं की समीक्षा करते समय कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग चर्चा में रहा। ऑप्शन ए है राष्ट्रीय जलमार्ग 1, बी राष्ट्रीय जलमार्ग 2, सी राष्ट्रीय जलमार्ग 3 और डी राष्ट्रीय जलमार्ग 4। इसमें ऑप्शन ए सही है, राष्ट्रीय जलमार्ग 1। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 गंगा नदी और हुगली नदी में प्रयागराज से हल्दिया तक है। इसी को बनारस के मल्टी मॉडल टर्मिनल से जोड़ने की बात हो रही है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 1620 किलोमीटर लंबा है। यह भारत की सबसे लंबी राष्ट्रीय जलमार्ग है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 असम में है जिसकी लंबाई 891 किलोमीटर है। यह ब्रह्मपुत्रा नदी में है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3 केरला में स्थित है जिसकी लंबाई 375 किलोमीटर है। यह पश्चिमी घाट पे है। और राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 4 यह पूर्वी घाट पे स्थित है जो कृष्णा नदी में है जो पुदुचेरी, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में है। इसकी लंबाई 1095 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, संत आचार्य महाप्रज्ञ किस धर्म से संबंधित हैं। ऑप्शन ए है जैन धर्म, बी बौद्ध धर्म, सी हिंदू धर्म, डी सिख धर्म। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए जैन धर्म। संत आचार्य महाप्रज्ञ जैन धर्म के श्वेतांबर 13 पंथ के 10वें संत थे। अभी हाल ही में इनकी 100वीं जयंती मनाई गई है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभनाथ थे। पांचवा प्रश्न है, कपास से निर्मित महात्मा गांधी की 7.5 फीट ऊंची मूर्ति किसने बनाई है। ऑप्शन ए है अनंत खैरनार, बी मयंक नारद, सी नमनलाल, डी शारदा मोहन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अनंत खैरनार। अनंत खैरनार ने कपास से निर्मित महात्मा गांधी की 7.5 फीट ऊंची मूर्ति बनाई है। इसके लिए इन्हें गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड से भी सम्मानित किया गया है। ये कपास से निर्मित कई कलाकृतियां बना चुके हैं। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ एक्सचेंज के रिपोर्ट के अनुसार बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE बाजार किस स्थान पर है। ऑप्शन ए है 9वां, बी 10वां, सी 11वां, डी 12वां। इसमें ऑप्शन बी सही है। वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ एक्सचेंज के रिपोर्ट के अनुसार बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE
बाजार 10वें स्थान पर है। पहले स्थान पर न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है और दूसरे स्थान पर अमेरिका का ही नाजडाक है। अगला प्रश्न है, द रूम वेयर इट हैपेंड अ व्हाइट हाउस मेमोरियल किसने लिखी? ऑप्शन ए है माइक पोम्पियो, बी जॉन बॉल्टन, सी डोनाल्ड ट्रंप, डी निक्की हेली। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी जॉन बॉल्टन। जॉन बॉल्टन ने द रूम वेयर इट हैपेंड अ व्हाइट हाउस मेमोरियल लिखी है। जॉन बॉल्टन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में कार्य कर चुके हैं। इन्होंने 2018 से 2019 तक 27वें संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में कार्य किया है। इसमें ऑप्शन ए माइक पोम्पियो की बात करें तो माइक पोम्पियो यूनाइटेड स्टेट्स के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं। ऑप्शन सी डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति हैं और ऑप्शन डी निक्की हेली, जिनका पूरा नाम निम्रता निक्की रंधावा हेली है। ये अमेरिका के दक्षिणी कैरोलिना प्रांत की गवर्नर हैं। ये भारतीय मूल की दूसरी अमेरिकी गवर्नर और पहली महिला गवर्नर होने का गौरव हासिल किया है। 8वां प्रश्न है, हाल ही में स्वीडिश मैपिंग टेक्नोलॉजी कंपनी मैपिलरी का अधिग्रहण किसने किया है? ऑप्शन ए है गूगल, बी फेसबुक, सी अमेजन, डी ट्विटर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी फेसबुक। हाल ही में फेसबुक ने स्वीडिश मैपिंग टेक्नोलॉजी कंपनी मैपिलरी का अधिग्रहण किया है। फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग हैं, गूगल के सह संस्थापक लैरी पेज हैं, अमेज़न के संस्थापक जेफ बेजोस हैं और ट्विटर के जैक डॉर्सी हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने कोविड-19 की स्क्रीनिंग के लिए अल्ट्रासाउंड विकसित किया है? ऑप्शन ए है आईआईटी कानपुर, बी आईआईटी खड़गपुर, सी आईआईटी पलक्कड़, डी आईआईटी दिल्ली। इसमें उत्तर सी सही है आईआईटी पलक्कड़। आईआईटी पलक्कड़ ने हाल ही में कोविड-19 की स्क्रीनिंग के लिए अल्ट्रासाउंड विकसित की है। अभी हाल ही में आप जानते हैं कि आईआईटी कानपुर ने सस्ते मास्क बनाने पर काम किया था और आईआईटी दिल्ली ने कोविड-19 से संबंधित सस्ती टेस्टिंग मशीन विकसित की थी। आखिरी प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने कोविड वार्न ऐप लॉन्च किया है? ऑप्शन ए है सिंगापुर, बी नॉर्वे, सी जर्मनी, डी डेनमार्क। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी जर्मनी। जर्मनी ने हाल ही में कोविड वार्न ऐप नाम लॉन्च किया है। जर्मनी की राजधानी बर्न है। इस समय जर्मनी के प्रेसिडेंट फ्रैंक वाल्टर स्टेमनर हैं। तो ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट।